नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीट हासिल की हैं। साथ ही 3 आजाद और 2 इनेलो के उम्मीदवार चुने गए हैं। खास बात यह है कि इन विधानसभा चुनाव में एक राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने इसराणा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उनकी जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, इस खाली सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव सामने खड़ा है। इस राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। इस लॉबिंग में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के साथ साथ ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और दलित समुदाय की तरफ से डॉक्टर बनवारीलाल भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा मोहनलाल बड़ोली का बनता नजर आ रहा है। विधायक से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और सोनीपत से चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनकी अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में भारी जीत दर्ज की। मोहनलाल बड़ोली ने पहले विधायक से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ा और सोनीपत से चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनकी अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में भारी जीत दर्ज की। अब पार्टी मोहनलाल बड़ोली को राज्यसभा में भेजकर उन्हें इनाम दे सकती है, जिसके पूरे पूरे आसार हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजती है तो वह 2028 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, क्योंकि कृष्णलाल पवार 2022 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2028 तक था। अब इस कार्यकाल में 4 वर्ष बचे हैं, नए राज्यसभा सदस्य 2028 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे मोहनलाल बड़ोली। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल बड़ोली को इनाम देती है या किसी अन्य उम्मीदवार पर जातीय समीकरण साधती है। गौरतलब है कि प्रदेश में 5 राज्यसभा सीटें हैं। इस समय 4 राज्यसभा सीट भरी हुई है। सुभाष बराड़ा जो 2024 में चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। कार्तिकीय शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, उनका कार्यकाल 2028 तक है। रामचंद्र जांगड़ा जो 2020 में चुने गए थे, उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। और अभी जो किरण चौधरी 2024 में चुनी गई हैं, उनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा। अब कृष्णलाल पवार की जगह जो भी राज्यसभा सदस्य आएंगे, उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। इस प्रकार से विधानसभा के चुनाव संपन्न होते ही एक और राज्यसभा का चुनाव सामने खड़ा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत लगभग तय है, क्योंकि आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी भारी है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के न केवल 48 सदस्य हैं, बल्कि 3 आजाद उम्मीदवारों का भी समर्थन उन्हें मिल चुका है। इसलिए आगामी राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत निश्चित है और वो विजयी होगा।